नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसरो की तरफ से जारी विज्ञापन संख्या 323 को देखा था, जो कि डिप्लोमा के छात्रों के लिए वैकेंसी थी। आज के इस वीडियो में हम विज्ञापन संख्या 324 पर बात करेंगे, जो कि ITI के छात्रों के लिए वैकेंसी है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी देखने वाले छात्रों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे सभी प्रकार के जॉब अपडेट्स आपको मिलता रहे एवं वैकेंसी का अपडेट देने में हमारी रुचि बनी रहे। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस समय NITs की जितनी भी कॉलेजेस हैं उसमें वैकेंसीज चल रही हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की सभी की नॉन टीचिंग वैकेंसी है। ऐसे ही जितने भी एम्स हैं इंडिया में, सभी एम्स में रिक्रूटमेंट चल रही है। साथ में इसरो की जितनी भी यूनिटें हैं, हमारे आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो NIT के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एम्स के वीडियोस जो लेटेस्ट में थे वो मिल जाएंगे। हमने सभी एम्स का वीडियो नहीं बनाया है, ऐसे ही आपको NITs के सभी वीडियोस मिल जाएंगे जो रिक्रूटमेंट चल रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र विरोध नहीं कर रहे। जैसे NIT में एडमिशन के लिए एक एग्जाम हो सकता है, ठीक है, JEE मेंस का, ऐसे ही रिक्रूटमेंट का एक एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। NIT दिल्ली अपना अलग वैकेंसी निकाल रही, MNIT इलाहाबाद अलग निकाल रही, MNIT जयपुर अलग निकाल रही। अरे ये क्या बवाल है भाई, एक वैकेंसी निकालो, उसका कंबाइंड एग्जाम करा दो। जब रिक्रूटमेंट रूल 2019 सभी NIT पे लागू है तो वैकेंसी एक निकालो। इतनी वैकेंसी निकाल करके एग्जाम डिफरेंट कराना, ये बच्चों पे एक बर्डन डालना हुआ। आप सभी स्टूडेंट्स, हमारा अनुरोध है कि ऐसी वैकेंसियों का विरोध करिए कि जितनी NIT है एक वैकेंसी निकाले, जितनी एम्स है एक वैकेंसी निकाले, सब कंबाइंड वैकेंसी निकाले। क्योंकि एम्स की अगर वैकेंसी आप देखेंगे तो उसमें वैकेंसी में फीस 3,000 रुपये रखा गया है। यदि एम्स दिल्ली अपना अलग निकाल रहा है, एम्स रायपुर अलग निकाल रहा है, एम्स पटना अलग निकाल रहा है, तो चार एम्स की वैकेंसी में अगर फॉर्म अप्लाई करना हुआ तो 12,000 रुपये एप्लीकेशन फीस देंगे। एग्जाम देने जाएंगे, जो आने जाने का खाने पीने रहने का खर्चा है वो अलग से, इतनी आप बर्डन झेलेंगे। अगर एक वैकेंसी निकाले और सारी वैकेंसियों को कंबाइंड कर दे तो नंबर आप वैकेंसीज भी बढ़ जाए और आपके वो एग्जाम देने में दिक्कत भी ना आए। एक एग्जाम दीजिए जिसका जिस एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा कट ऑफ वाइज, वहाँ पे प्रिफरेंस दे दें कि पहले नंबर पे दिल्ली एम्स लेंगे, दूसरे नंबर पे दिल्ली रायपुर लेंगे, तीसरे नंबर पे एम्स पटना ले लेंगे, इस तरीके से वैकेंसी कर दें। ऐसे ही इसरो को चाहिए था कि जितनी भी इसरो की यूनिटें हैं सबकी कंबाइंड ले लें। अब इसरो की जो सारा भाई स्पेस सेंटर है वो अपना अलग ले रहे हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अपना अलग एग्जाम लिए पड़े हैं, इसरो की जो सेंट्रल यूनिट है वो अपना अलग एग्जाम लिए पड़ी है। ये क्या बवाल है भाई, ये कंबाइंड एग्जाम क्यों नहीं ले लेते। एक नंबर आप वैकेंसी भी बढ़ जाएं, कम से कम जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करें एप्लीकेशन फीस कम से कम उनको देना पड़े और आसानी से एक एग्जाम में किसी भी जिसका प्रिफरेंस दें उसमें उनको मिल जाए। मुझे लगता है कि ये पैसे कमाने के इनका धंधा हो गया। जितनी अलग अलग यूनिटें हैं सबका अपना अलग अलग वैकेंसी निकालो, उसमें रिक्रूटमेंट करो, बच्चे फॉर्म भरेंगे, जितनी बार निकालेंगे सब बच्चे उसमें भी सभी में अप्लाई करेंगे और अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। अरे भाई कुछ तो रहम करो इन स्टूडेंट्स पे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं भाई, घर से कैसे पैसे आते हैं वो यही बता सकते हैं, कितनी दिक्कतें जिल्लतें झेल के नौकरी पैसे आते हैं, महीने के 8-10 हज़ार यूं ही हवा में उड़ जाते हैं। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वैकेंसी में। आप लोग इसका विरोध करिए, अगर विरोध नहीं करेंगे तो भविष्य में ऐसे ही हर यूनिट अपनी अलग अलग वैकेंसी लेगी और सभी जगह अलग अलग पैसे भरते रहिए। कम से कम सब यूनिटें तो अलग ना लें, कंबाइंड लें, बाकी अलग अलग अगर कंपनीज है, अलग अलग विभाग है तो अपना अलग ले, लेकिन अगर एक ही विभाग में अलग अलग यूनिटें हैं और सब अपनी अलग वैकेंसी ले तो ये गलत बात है। चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वैकेंसी का जो विज्ञापन संख्या है 324। विज्ञापन संख्या 323 जो थी वो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए थी, यहाँ पे ये ITI के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। फॉर्म 2 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है इसका। जैसे ही अप्लाई होना शुरू होगा हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई करने के लिंक पर जा सकते हैं और अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये भी वैकेंसी 29/4/2023 को जारी किया गया था, जिसका डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम वैकेंसी के डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो पहली वैकेंसी हमारी टेक्नीशियन बी की है, जहां लेवल 3 रखा गया है। सैलरी के रूप में 21,700 बेसिक रखी गई और मैक्सिमम 69,100 रुपये जाने वाली है। 21,700 यहाँ पे बेसिक रखी गई है। इन हैंड सैलरी अगर बताया जाए तो बेसिक में TA DA सब ऐड होकर के आपका लगभग 30-32,000 के आसपास सैलरी बनेगी।
हम डिटेल में वैकेंसीज देख लेते हैं। पहली वैकेंसी फीटर की है, यदि आप आईटीआई फीटर से हैं 10th पास के बाद तो इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, 17 वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से आईटीआई यदि आप पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी 8 रखी गई है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन की 6 वैकेंसी रखी गई है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मैकेनिक्स ट्रेड से आईटीआई यदि पास आउट हैं तो उनके लिए 4 वैकेंसी रखी गई है, यदि आप मैकेनिक्स से आईटीआई ट्रेड से पास आउट हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से आईटीआई पास हैं तो यहाँ वैकेंसी 3 रखी गई है, आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर से यदि आप आईटीआई किए हैं तो उनके लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। प्लम्बर से आईटीआई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 वैकेंसी। ऐसे ही मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक डीजल ट्रेड्स के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, यदि आप आईटीआई पास आउट है मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक डीजल ट्रेड से तो इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। मैकेनिकल से यदि आप ड्राफ्ट्समैन से आईटीआई पास आउट हैं तो आपके लिए 5 वैकेंसी रखी गई, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफी में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ 1 लेवल अप करके लेवल 4 की वैकेंसी रखी गई है, जिसमें 1 वैकेंसी रखी गई है। बेसिक आपका 25,500 यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, ये अच्छी वैकेंसी है डिप्लोमा के लिए, लेकिन डिप्लोमा की वैकेंसी लेवल 7 पे होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ लेवल 4 पे रखी गई है। फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है 4/5/2023 से और लास्ट डेट 18/5/2023 रखा गया है, यानी टोटल आपको 15 डेज का टाइम दिया गया है, इस बीच में आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। इस वैकेंसी में एज लिमिट अप्लीकेशन फीस नहीं दिया गया है, जो कि जब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट्स आएगा तो हम इसकी सूचना आपको उपलब्ध कराएंगे। बाकी ऐसे ही जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।